नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अफगान तालिबान एंड इंडिया डील डन ऑन पाकिस्तान वाटर, क्राइंग पाकिस्तान। अफगान तालिबान का भाई, ये पाकिस्तानियों को बहुत डर है इन लोगों से अभी, और बड़ी दुश्मनी हो चुकी है और हमें मजा आ रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बोलते हैं ना, जिसको कोई नहीं पहुंच सकता उसके उसकी औलाद जो होती है ना वही पहुंच सकती है। ये हर बार बोल रहे थे ना कि भाई ये तालिबान जो सरकार है तो हमारी है, हमें ही बनाई थी। तो भाई यही तो होता है भाई, आप ही कर साफ, आप ही को ही डसता है, इतना जरूर याद रखना। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। किट्टू राव जी की चैनल से वीडियो है, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। बहुत बढ़िया। अगर हम जंग की बात करें तो हम कभी भी जंग नहीं कर सकते, और नहीं तो क्या। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे है। इसकी वजह क्या है? तबाही जो आज पाकिस्तान में मच रही है, ये उसी इमरान की अहमकाना, जाहिलाना और खुदकुश पॉलिसी का नतीजा है। अब इन हालात में मुल्क को सियासी इस्तेहकाम, अवाम का एतमाद, मुआशी और कानूनी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आगे स्वाद। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं। पूरे तो जश्न मनाया जाए और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। फिर से इकट्ठे होकर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगे। हाँ भाई हाँ। बलोचिस्तान के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर तालिबान और इंडिया के बीच ये डील साइन हो जाती है तो पाकिस्तान जंग करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरे तो ख्याल में ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। तो फिर अफगान हुकूमत ने मुआयदा किया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान इतनी नफरत क्यों हमसे करते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि हमने कई बार उनको धोखा दिया है ना, अजीब सा असूल। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश की है। सही बात है। भी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखे भाई, जाओ यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं है, वो तुम लोगों के पाकिस्तान में होगा, वहाँ पे जाके मांगो। अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहत थी? दुबई का वीजा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। क्यों? जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, उनको वीजे नहीं मिले। सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। अगर आप इसी तरह भीख मांगते रहेंगे तो इसी तरह ही होगा, आपको हर आदमी धमकी लगाएगा। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी तो फिर होगा क्या? राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिनिस्टर जॉन असकज़ई ने अफगान तालिबान को जंग की धमकी दे दी है, कहा कि अगर कुनार रिवर पर इंडिया के साथ मिलकर डैम बनाया तो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान हाथ धोके अफगानिस्तान के पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, खैर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हम उन अफगान तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं जिनको अमेरिका ना हरा सका, जिनको रशिया ना हरा सका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि पहले वो लोग खुद को इतना मजबूत तो कर ले, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, और नहीं तो क्या। अगर हम पठान और तालिबान की हिस्ट्री देखें, ये बहुत पुरानी है, लोग बहुत बहादुर है, इनको अमेरिका जैसे सुपर पावर नहीं हरा सका, इनको चाइना नहीं पीछे कर सका, वो चाइना को भगा देते हैं कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, और वो वहाँ पे कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। ये पहले बलोचिस्तान को उनका राइट्स तो दे दें जो वो कभी भी नहीं दे सके, जस्ट ये बातें कर सकते हैं और ये बातों की वजह से ही इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है। इनसे बात करेंगे, अफगान तालिबान पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। कुनार वैली, जिसको चतराल वैली भी कहते हैं, उस रिवर का जो पानी है पाकिस्तान आता था, लेकिन अब तालिबान ने उस पे डैम बनाएगा इंडिया की मदद से। और जो बलोचिस्तान के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर तालिबान और इंडिया के बीच ये डील साइन हो जाती है तो पाकिस्तान जंग करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरे तो ख्याल में ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए दो दो चैलेंज होंगे, एक तो इंडिया ऑलरेडी हमारा दुश्मन है। अच्छा। तो अफगानिस्तान तो हम ये समझते हैं, अफगानिस्तान तो इंडिया से बदतर है। अच्छा। जिन्हें हमने बड़ी देर पनाह में रखा, हमने उनको अपने घर बना के दिए, हम अपने आप से फैमिली से ज़्यादा हमने उन्हें सपोर्ट किया, आज वही हमारा दुश्मन है। आप वर्ल्ड कप में देख लें, उन्होंने एक मैच हमसे एक विन किया था, वो जो वहाँ का जो प्लेयर था उसने वो ट्रॉफी या जो जो भी चीज़ें थी, पैसे थे, उन्होंने अफगानिस्तान के नाम, मुहाजरीन के नाम किया, जिन्हें अरफान पठान थे। अरफान पठान हर कैफ, हमें तो हर तरफ से दुश्मनों का सामना है जी। हाँ। चाहे ईरान में, ईरान की तरफ से जो सरहद है, क्योंकि मैं खुद भी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। हाँ। ठीक है, वहाँ पे भी बाउंड्री लाइन है। हाँ। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो आर्मी है। हाँ। या हुकूमत है, हमारी तरफ से कभी बाढ़ नहीं लगाएगी। अच्छा।
इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमारी तरफ से बिल्कुल वो ओपनली है, अगर बाढ़ लगाई तो इंडिया ने लगाई है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की वजह से लगाई, क्योंकि वो अक्सर क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द जाते हैं। एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, आपको पता है हम तो बड़े क्लीन साफ सुथरा चिट वाले लोग हैं, क्लीन चिट वाले लोग हैं। अच्छा। हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी तरफ दहशतगर्द तो हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा, बेसिकली दहशतगर्द तो इंडिया और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान के। बात आप ना करें, जिस दिन उसामा बिन लादिन यहाँ मिले थे ना, उसके बाद दुनिया हम पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं, दुनिया बात आपको भी पता है मैडम, दुनिया तो ट्रस्ट करती है ना, हमारे अपने लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हम अफगानियों की हिस्ट्री देखें, रशिया उन्हें नहीं हरा सका, अमेरिका उन्हें नहीं हरा सका, क्या हम में इतनी जुर्रत है कि हम अफगानियों को हरा देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक ऐसी फोर्स और ऐसी कौम से हमारा तल्लक है। अफगानिस्तान देखें, हमारा भाई है। अच्छा। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे वो दुश्मन है, मुसलमान है। भाई हैं, लेकिन उन्हें हमसे लड़ने के लिए ना डबल ट्रिपल गुर्दा चाहिए। अबे साले, हम भी एक ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं, हम मुसलमान हैं। रशिया मुसलमान नहीं था, अमेरिका मुसलमान नहीं था। अच्छा। ठीक है, और इंडिया मुसलमान नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, इसे देखें आप डिफेंड करें। अगर इसराइल जिस दौर में 1947 में इसराइल बनाया गया, उसी दौर में अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान उसके मुकाबले मध्य मुकाबल इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है। ठीक है, भी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल दिया कि भाई जाओ, यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं है, तुम लोगों के पाकिस्तान में होगा वहाँ पे जाके मांगो। तो हमारी इज्जत रही कहाँ पे है? कुछ इनकी अपनी करतूतों की वजह से इनको निकाल दिया जाता है, तो बेहतर यही है कि हमारे साथ कोई रिलेशन ना ही रखे तो बेहतर है, हम लोग अपनी उसी में खुश हैं। हर बड़े से बड़े सुपर पावर को हम चैलेंज देते हैं कि आपके साथ जंग करेंगे। हाँ। इतनी हिम्मत है? बिलावल तो पहले सांबाल पहुंच के कहता है कि काम पे टांग रही हैं। पप्पू को तो जलसे में बात करने की वो नहीं है कि उसने बात कैसे करनी है, उसे जो स्पीच दी जाती है वो गड़बड़ करके सुना देता है। हाँ। अगर हम जंग की बात करें तो हम कभी भी जंग नहीं कर सकते। मैंने इंडिया की देखी है, ठीक है, उनकी जितनी भी वीडियोज आती है उसमें वो अपने मिसाइल दिखा रहे होते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अगर हम अपने मिसाइल वगैरह की बात करें, वो आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं है। जस्ट एक एटॉमिक ये चाइना के ज्यादा होते, चाइना के होते हैं, और वो भी ये कहते हैं चल गया ना चला तो बस फिर अपनी खैर मनाओ। तालिबान कुनार रिवर का पानी बंद करने जा रहे हैं, उसके ऊपर डैम बनाने जा रहे हैं, अपना पानी भी बंद होने वाला है। मैम, बात ये है कि पाकिस्तान ने तो अपने पानी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। सही हो गया। आपने मोटरवे तो बनाए। हाँ। आपने बहुत कुछ बनाया, लेकिन पानी के बारे में कभी आपने सोचा है? आपका बहुत सा पानी जो है वो समुंदर बर्द हो जाता है और सैलाब में लोग जो है वो डूब जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा जो पानी इंडिया से आ रहा है हम उसको महफूज करें और उसमें डैम बनाएं? अभी लोड शेडिंग जो हो रही है, हमारे पास अपना पानी महफूज होता तो हम ये लोड शेडिंग क्यों ये बर्दाश्त करते है? हमारी मुफ्त की बिजली जो है। हाँ। वो पानी से बनती है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन हम अपना पानी जो है वो समुंदर को दे देते हैं। ओह यार, सिंध जो है वो बूंद बूंद को तरस रहा है। अभी किसानों के पास जो है वो अपनी फसलें शराब करने के लिए एक घूंट पानी नहीं है, तो हमारा पानी जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और ऊपर जो पानी है वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है, गंदा हो रहा है। अभी आप किस इलाके का यहाँ पानी का टेस्ट करें तो आपके पीने के काबिल नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि हमारे पास डैम नहीं है, हम अपना पानी जो है वो समुंदर को दे देते हैं। सही बात है। देखिए, जब इंडिया ने कश्मीर पर डैम बनाया, पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कश्मीर का पानी बंद कर दिया। दरियाए नीलम, उन्होंने कहा कि 77 सालों से हमने नहीं बनाया तो आप बना लेते, पानी ज़ाया आ रहा था, उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट आई है, कुनार रिवर जो है दरियाए कुनार पाकिस्तान में से गुजरता है, उन्होंने उधर भी डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दिया है। तो आप देखिए, अफगानियों की इंडिया के साथ इतनी अच्छी दोस्ती, आपस में तरक्याती काम कर रहे हैं, आप इस बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वो तो अपने बंदोबस्त करेंगे ना। तालिबान है, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपनी आवाम को उन्होंने देना है पानी। अच्छा। ये तो नहीं है कि हमारी तरफ देखते रहे कि ये करेंगे तो हम करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगे। आप लोगों क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी फिजाओं को थोड़ा थोड़ा पहलते हुए जाइएगा। और हाँ भाई लोगों, शेयर कर दिया करो, आजकल वीडियो करते ही नहीं हो शेयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान को हर एक चीज में जंग करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों ने जंग पे एक बार उतर जाओ, सही बोल रहा हूँ, एक बार उतरो यार, ताकि आपको आईना समझ में आ जाए, औकात समझ। हाँ, और फटाफट बहुत तलूरों के पास मतलब पहुंच जाओ। और नहीं, अफगानिस्तान जो है
वो रिवर पे जो डैम बनाना चाहता है, हालांकि उसके पास इंजीनियर या तो उसके पास उस हिसाब से माल सामान नहीं है, तो ये भाई दूसरे कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। तो आपको क्या लेना देना कि आपके पास है डैम बनाने की औकात, तो बोलो भाई अफगानिस्तान को, भाई इंडिया क्यों हम बना के दे रहे हैं आपको, और बोलो अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करे या नहीं एक बार, वो तो बात करके तो देखो। बात ये हर बार बोलता है ना कि भाई इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता, टेबल टॉक नहीं करता, अफगानिस्तान टेबल टॉक नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह, लेकिन टेबल टॉक भी उन लोगों के साथ की जा सकती है जो बराबरी के हो। हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान वैसे बराबरी के कंट्रीज है, लेकिन दोनों के पास इंजीनियर नहीं है। ये बात आप मानोगे या नहीं मानोगे, दोनों कंट्री के पास इंजीनियर नहीं है। अफगानिस्तान खुद एक्सेप्ट करता है कि भाई हमारे पास इतने इंजीनियर नहीं है और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है डैम बनाने का जो भारत ने बनाया, क्योंकि भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे, तो भारत के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ तो वो डील नहीं करेगा अफगानिस्तान, क्योंकि उसको पाकिस्तान की रिलेटेड सब कुछ पता ही है, तो वो चाइना के साथ नहीं जाएगा। तो अफगानिस्तान जो है भारत को अच्छा मित्र देश मानता है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत पुराने हैं और बहुत टाइम से उसके साथ अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रही है। और दूसरी बात, जब वहां पे तालिबान वाला मामला हुआ था तब भारत ने टांग नहीं अड़ाई थी, हाँ, कुछ नहीं, भारत ने क्लियर बोल दिया भाई आपका आपसी मामला है, आप आपस में सुलटा लो। हाँ, उसके पहले जब अफगान तालिबान का जब मामला हुआ, उसके पहले जो अफगानिस्तान के पीएम थे वो आए थे इंडिया, ठीक है, रीजन यही था तालिबान का, ठीक है, लेकिन क्लियरली बोल देगा भाई ये आपका आपसी मामला है जिसमें हम टांग नहीं अड़ा सकते, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है और हमने उस समय पाकिस्तान के साथ रिलेशन ऑलरेडी टूट गए थे पूरी तरह से। तो यही है पाकिस्तानियों आपकी औकात। आप देखो ये लोग बोल रहे कि भाई अफगानिस्तान भारत के साथ डील फाइनल करेगा तो ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो ऑफर दो ना अफगानिस्तान को, हम बना के देते ऐसा औकात हो तो, फिर बोलो हर बार हर एक चीज में बस धमकी, मतलब धमकी दे सकते हैं और कुछ ये लोग कर नहीं सकते। ऐसा थोड़ी अफगानिस्तान चाहे उसको दे सकता है ना भाई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा थोड़ी उनका मामला है, उनको जिसको भी देना है वो दे। तो हमारे देश में अभी एक टनल की बात आपको दोस्तों याद होगा, हमारे तो मजदूर फंसे थे, ठीक है, तो उसमें क्या सारे के सारे जो इंजीनियर थे वो भारत के थे? नहीं ना, हमने जो मशीनें मंगाई थी वो चाइना से मंगवाई थी, चाइना के साथ हमारा जो भी रिलेशन, फिर भी हमें काम को करना पड़ेगा ना, तो ऐसा थोड़ी है जो हमारे देश के पास नहीं, हम किसी तो वहां बोले होते तो समझ में आता, पता चलता है भाई इन लोगों के पास कुछ नहीं है। हाँ। हर जगह पे उसको पहले जाना है, पहले इतनी औकात बनानी चाहिए, वो भारत को कॉन्ट्रैक्ट दे, चाइना को दे, यूए को दे, या किसी भी कंट्री को दे। यूए के पास तो जीरो एक्सपीरियंस है, हाँ बिल्डिंग ही बनाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बांध की बात करें तो बांध सबसे ज्यादा भारत ही बनाता है, हिस्ट्री उठा के देख लो कहीं से भी, ठीक है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा नदी जो रिवर है वो भारत के पास है और उसी रिवर में सबसे ज्यादा बांध जो बनाए वो भारत। हाँ, भारत ने भी जो पुराने बांध है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा भारत नहीं बनाता है, बहुत सारे कंट्री की इसमें हेल्प लगती है दोस्तों। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई भारत अकेला ही सब में होता है, तो अफगानिस्तान भी हेल्प ले रहा है और आपकी तो औकात नहीं है एक बुरी सीमेंट लेके भी उसको दे सको, ठीक है, तो भाई मुंह बंद रखे उसको, उसका उसके कंट्री के लिए जो कुछ कर रहे उसको करने दो, उसको करने दो, बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो तो वैसे फनी के तौर पे ही ले रहा, किट्टू राव जी का वीडियो है, और आशा करते हैं पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और दूसरी बात चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।